राजस्थान की भरतपुर रिजर्व लोकसभा सीट से भाजपा की रंजीता कोली ने अपने विरोधी कांग्रेस के उम्मीदवार अभिजीत जाटव को 3.5 लाख मतों से हराया है। अभिजीत जाटव भारतीय रेवेन्यू सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और रंजीता मिडिल क्लास तक शिक्षित है, लेकिन मोदी लहर और जातीय समीकरणों के चलते रंजीता कोली ने यह कमाल कर दिखाया। रंजीता कोली पहली बार चुनाव लड़ रही थी। भरतपुर की जनता की समस्याओं की भी ज्यादा जानकारी रंजीता कोली को नहीं थी, लेकिन रंजीता कोली के ससुर गंगा राम कोली 3 बार राजस्थान के बयाना लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीत चुके हैं। भरतपुर राजा महाराजाओं की धरती रही है। पूर्व में यहां से कांग्रेस के कद्दावर नेता राज बहादुर, नटवर सिंह, राजेश पायलट और विश्वेंदर सिंह चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचते रहे हैं। पिछले 14 चुनाव में भरतपुर से 7 बार कांग्रेस, 5 बार भाजपा और 2 बार जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जीत मिली है। 2008 में परिसीमन के बाद भरतपुर लोकसभा सीट को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया। इसके बाद से जाटलैंड के नाम से मशहूर भरतपुर की धरती पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों में मुकाबला होता रहा है। 2014 में भरतपुर से भाजपा के बहादुर सिंह कोली ने कांग्रेस के डॉक्टर सुरेश जाटव को 2 लाख से ज्यादा मतों से मात दी थी, लेकिन बहादुर सिंह का एक स्टिंग सामने आने के बाद भाजपा ने उम्मीदवार बदलने का निर्णय लिया। स्टिंग में बहादुर सिंह कोली हवाला से पैसे लेने की बात कह रहे थे। रिजर्व होने के बाद भरतपुर में जाटव और कोली उम्मीदवारों में मुकाबला होता आ रहा है। कांग्रेस द्वारा अभिजीत जाटव को मैदान में उतारने के बाद ही साफ हो गया था कि भाजपा कोली उम्मीदवार पर अपना दाव लगाएगी। इसके अलावा भाजपा ने भरतपुर से किसी महिला को उम्मीदवार बनाने का मन बना रखा था। राजनीतिक परिवार से संबंध रखने वाली विनम्र और सीधी रंजीता कोली भाजपा की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता रखती थी। रंजीता कोली काफी समय से मोदी सरकार की नीतियों को घर घर पहुंचाने के लिए काम कर रही थी। विधानसभा चुनाव में भी रंजीता कोली ने भाजपा की टिकट पर अपना दावा जताया था। अशोक गहलोत सरकार के किसानों के कर्ज माफी के वायदे को पूरा न कर पाने के खिलाफ भाजपा के आंदोलन में भी रंजीता कोली ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। पूर्वी राजस्थान में उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित होने के कारण भरतपुर में बसपा, सपा और राष्ट्रीय लोकदल का भी प्रभाव रहता है। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में भरतपुर की 8 सीटों से भाजपा का सफाया हो गया था। कांग्रेस ने 5, बसपा ने 2 और RLD को 1 सीट मिली थी। लोकसभा चुनाव में भरतपुर से बसपा ने सूरज जाटव को मैदान में उतारा था, जिसका सीधा नुकसान कांग्रेस के अभिजीत जाटव को हुआ। इसके अलावा जाट और जाटव समुदायों में लंबे समय से चल रही प्रतिद्वंद्वता ने भी जाट बहुल भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में अपना असर दिखाया। 1992 में कुमेर में प्रभावशाली जाटों ने जाटव समुदाय के 300 घरों में आग लगा दी थी। 25 साल गुजरने के बाद भी कुमेर की घटना के जख्म भरे नहीं हैं। गहलोत सरकार में मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने जाट मतदाताओं को अपनी प्रतिष्ठा का हवाला देकर कांग्रेस के हक में वोट डलवाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन अभिजीत जाटव के लिए कुछ काम नहीं आया। चुनाव अभियान शुरू होने के बाद रंजीता कोली की शिक्षा और राजनीतिक समझ को लेकर सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया गया। रंजीता कोली को कांग्रेस के हाई प्रोफाइल उम्मीदवार अभिजीत जाटव के सामने कमतर साबित करने की कोशिश की गई, लेकिन मोदी लहर और जातीय समीकरणों के चलते रंजीता कोली ने अपने आलोचकों के मुंह बंद कर दिए। जीत के बाद रंजीता कोली के महिलाओं के साथ नृत्य करने और खुशियां मनाने के दृश्य भी सोशल मीडिया पर छाए रहे थे। उम्मीद करनी चाहिए कि लोकसभा में पहुंचने के बाद रंजीता कोली अपने क्षेत्र के विकास और बेहतरी के लिए बहुत कुछ कर पाएंगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।